नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं बिहार के तमाम बेरोजगार युवाओं के लिए वीडियो बना रहा हूँ और साथ में उत्तर प्रदेश के भी युवाओं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, बिहार के 5 लाख संविदा कर्मी हैं जो कि 17 तारीख से अपना आंदोलन स्टार्ट करने वाले हैं और उनका आंदोलन 31 तारीख तक चलेगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 12 लाख संविदा कर्मियों को बहुत ही बढ़िया वेतन मिलने वाला है, उनके वेतन में वृद्धि होने वाला है। वहाँ के योगी सरकार 12 लाख संविदा कर्मियों का पैनल तैयार कर लिए हैं, जो कि आप लोग को इस वीडियो में वो पैनल मिल जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा कि 12 लाख में कौन कौन से विभाग हैं और किसको कितना मानदेय तक मिल सकता है। और दोस्तों, बिहार के संविदा कर्मी के साथ साथ बिहार के वार्ड सचिव के बारे में भी आज महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जो कि बिहार के तमाम वार्ड सचिव को जानना चाहिए। अगर ये वीडियो वार्ड सचिव लोग देख लेंगे तो उनका आँख खुल जाएगा कि उनके साथ क्या क्या गेम हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार में जगह जगह वार्ड सचिव लोग अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में जाके आवेदन दे रहे हैं कि उनको दोबारा रखा जाए, मगर सरकार की तरफ से कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और जो लोग वर्तमान में वार्ड बने हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने रिश्तेदारी में ही किसी को वार्ड सचिव बना दे रहे हैं, अपने चाचे भतीजा को ही वार्ड सचिव बना दे रहे हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसका भी मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आपके ब्लॉक में अगर कोई चुपचाप किसी को वार्ड सचिव बना देता है तो इसका विरोध आप कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग अपने वार्ड के कम से कम 50 आदमी का एक टीम बनाइए और उन 50वें आदमी से एक आवेदन लिखिए वीडियो के पास, सीओ के पास, और आवेदन पे साइन करा के और वीडियो सीओ के पास जाके दे दीजिए और उनसे रिसीविंग ले लीजिए। और रिसीविंग लेने के बाद और उसके साथ आप लोग एक और आवेदन लिखिए अपने चुनाव आयोग के पास, अपने ज़िले में जाके, और वो चुनाव आयोग में उस रिसीविंग के साथ जाए और रिसीविंग का फोटोकॉपी लगा के आवेदन दे और वहाँ से भी रिसीविंग लेके आ जाए। दोस्तों, अगर चुनाव आयोग में आप लोग जाते हैं तो वहाँ से 100% है कि आप लोगों के साथ उचित कार्रवाई किया जाएगा। और दोस्तों, आज पप्पू यादव जी बेरोजगारों के लिए रेलवे चक्का जाम किए थे, ऐसा करके वो रैली निकाले थे, जो जिसका वीडियो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए। और दोस्तों, इस वीडियो में देख रहे हैं कि उनके साथ कितना लोग हैं। और वैसे ही बिहार में तो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, जिस पर सरकार का ध्यान ही नहीं जा रहा है। और 17 तारीख से जो आंदोलन होने वाला है वो भी बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, तो उस आंदोलन का मैं हर एक अपडेट आप लोग को देते रहूँगा। दोस्तों, आंदोलन का रूप क्या होगा ये तो 17 तारीख के बाद ही पता लगेगा, मगर इतना तय है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी पट्टी बांध के काम करेंगे और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो लोग भी अपने स्तर से आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन का जो रूप होगा, मैं उसका वीडियो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आप लोग के पास पहुँचाते रहूँगा। तो दोस्तों, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप लोग को मिलते रहें। तो दोस्तों, चलिए आप लोग को मैं उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का जो बहुत बढ़िया काम है और जो कि मतलब सराहनीय काम है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि 12 लाख संविदा कर्मियों में किस किस विभाग में कितना कितना मानदेय बढ़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अनुपूरक बजट में मानदेय बढ़ाने को लेकर पूरा इंतजाम योगी सरकार ने किया है, लेकिन अब भी इस बात पर संशय बना हुआ है कि किस पद पर कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। एक बार देख लेते हैं, आंगनवाड़ी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रोजगार सेवक, आशा संगनी, रसोइयों, पीआरडी जवान और चौकीदारों के मानदेय में सरकार कितनी बढ़ोतरी करेगी, एक अनुमान के मुताबिक मानदेय जो राशि रखी गई है बताने जा रहे हैं। देखिए, मानदेय के लिए खोला जो खजाना, यानी जो खजाना उन्होंने सरकार ने मानदेय के लिए खोला है, वो हमारी भाषा में हम इस बात को बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए कि रोजगार सेवकों के मानदेय में जो वृद्धि होगी वह 40.62 करोड़ रुपये की रखी है। पीआरडी जवानों के मानदेय में जो वृद्धि के लिए बजट बनाया है वह 61.07 करोड़ रुपए है, यानी 61.07 करोड़ रुपए। दोस्तों, ग्राम प्रहरी चौकीदार के मानदेय में जो वृद्धि के लिए है वह 47 करोड़ 88 लाख रुपए। उसके बाद आशा
ग्रामीण हो या फिर शहरी, आशा संगनी के मानदेय में वृद्धि के लिए 129.78 करोड़ रुपए का बजट बना है। आशा संगनी और ग्राम मतलब शहर की हो या फिर गांव की हो, ठीक है, इनके लिए 129.78 करोड़ रुपए का बजट आशा संगनी और ग्राम की हो या फिर शहर की हो इनके लिए मानदेय का बजट बनाया है। तो दोस्तों आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनवाड़ी व सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के लिए 265.70 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है योगी सरकार ने। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं, इनके लिए 265.70 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। दोस्तों 265 करोड़ रुपए का बजट बना है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का। तो शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए 123.55 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि इसके अनुमान के मुताबिक किया जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। हेड कुक व असिस्टेंट कुक के मानदेय में वृद्धि के लिए 1.63 करोड़ रुपये का बजट बनाया गया है और अंशकालिक अनुदेशकों के 28.91 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। अब सीएम योगी यूपी के 12 लाख से ज़्यादा मानदेय कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा में अहम घोषणा कर सकते हैं। अब अनुमान के मुताबिक कर्मचारियों के मानदेय में मौजूदा राशि का तकरीबन 10-20% तक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पेपर का जो कटिंग है, वार्ड सचिव लोग अपने ब्लॉक में जाके ज्ञापन दे रहे हैं। तो केवल ज्ञापन देने से नहीं होगा, आपको आवेदन भी देना पड़ेगा कि आपके साथ कोई मतलब गेम जो हो रहा है वो ना हो। जैसे वर्तमान में जो वार्ड बन रहे हैं वो लोग चुपचाप जाके और वार्ड सचिव बना दे रहे हैं, तो उसका भी है, वो भी आप लोग भंग करा सकते हैं। अगर 50 आदमी साइन कर देते हैं आपके आवेदन पे, तो आप लोग वीडियो को जाके देखे और भंग करा सकते हैं वीडियो के माध्यम से ही। और वीडियो के माध्यम से भंग नहीं होगा तो आप लोग चुनाव आयोग में जाके भंग करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।